हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मौका मिला है कि हम आपको आज चेन रूल के बारे में बताएं, डिफरेंशिएशन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे टफ से टफ न्यूमेरिकल भी 95% आसान हो सकता है और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हम आज आपको बताने जा रहे हैं, उसको समझिएगा। सबसे पहले चेन रूल को समझने के लिए हमें समझना होगा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों, कंपोजिट फंक्शन वो होता है कि मान लो वाई किसी एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वाई एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है और वो वाला फंक्शन थर्ड फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसको आसानी से समझिए कि मान लीजिए ए बी सी तीन चीज़ें हैं, ए बी और सी। तो अगर मैं बोलूँ ए बी पे डिपेंड करता है और बी सी पे डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं हमें ए और सी में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें बी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बी तो खुद सी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन कि ए बी पे बी सी पे। वाई अगर यू पे डिपेंड कर रहा है तो यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए लेट वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू, कि वाई यू का फंक्शन है और यू जो है वो आगे एक्स का फंक्शन है, तो वाई किसका फंक्शन हो जाएगा? तो वाई विल बी फंक्शन ऑफ, देखो यहाँ पे यू था ना, तो यू की जगह पे मैंने सिर्फ एफ एक्स लिख दिया, मतलब ये यू ही है आपका जिसकी जगह पे मैंने एफ एक्स लिखा है। तो y फंक्शन ऑफ x, तो मतलब अगर डेरिवेटिव निकालना होगा तो dy वाई पर dx ही निकालना होगा क्योंकि y इनडायरेक्टली x पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर y u पे डिपेंड कर रहा है, u x पे कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, और उसको निकालने के लिए हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा जो कि dy वाई पर dx है। लेकिन उसको इतनी सिंपली हम नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए हमें बीच वाला जो कॉम्पोनेंट है, जो कि u है, यहाँ पे जो कि u है दोनों तरफ आ रहा है, इसको यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, इसको खत्म करना होगा। उसको खत्म करने के लिए ट्रिक बनाई गई है, उसको देखिए। इसका मतलब है, अब देखिए इसको मतलब से हम इसका आंसर निकालेंगे, इसके मतलब से ही इसका आंसर कैसा आएगा देखिए। इट मींस फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, कहता पहले y का डेरिवेटिव फाइंड कर लो u के रिस्पेक्ट से, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से फाइंड आउट कर लीजिए। जब ये हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला du और ये वाला du कट जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, dy / dx। देखिए कितना अच्छा और बेस्ट मेथड है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखिए। कहता अगर y है ax + b की पावर 2, अच्छा अब यहां पे हमें नहीं पता कंपोजिट फंक्शन लगाना है नहीं लगाना, तो देखिए इसके लिए आपको अगर मेथड यूज करना है तो हमने आपको सिर्फ ये वाला तरीका सिखाया हुआ है, एक्स की पावर एन वाला। अगर इसके अलावा कुछ भी आता है तो आप उसको यू अज्यूम कर लीजिए। सिंपल सी बात, अगर यू अज्यूम करोगे तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू यू की पावर 2, इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे डी वाई बाई डी यू, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी और ऊपर 1 बच जाएगा जिसको मैं नहीं लिख रहा। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू 2u। हमने dy by du फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है du by dx। हमारे पास u तो है, अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए u की जगह पे ये आ गया, u + v वाला फार्मूला लगाएंगे तो ax अलग हो जाएगा, b अलग हो जाएगा, as b इज कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और d by dx ax आ जाएगा, a भी कांस्टेंट है तो a क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा dx by dx, तो dx dx कट हो जाएगा, that will be equal to 1 और आंसर क्या बचा हमारे पास a बचा। लेकिन हमने फाइंड करना है dy by dx, उसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई किया तो इस साइड से du du कट गया, क्या बचा dy by dx, और उस साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे 2u और a, 2u a, लेकिन हमने u अपनी तरफ से अज्यूम किया था, क्वेश्चन वाले ने नहीं बताया। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जो अजम्पशन हम मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो अजम्पशन हम क्वेश्चन में मानते हैं जब तक उस अजम्पशन को एंड स्टेप तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। इसलिए u की वैल्यू जो हमने ज़ूम किया था वो वाली वैल्यू u की जगह पर पुट कर दीजिए, 2 और a वैसे का वैसा u की जगह पर, ये और ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।